आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर सिस्टम हैज इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको क्या दिया है, के एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और सेकंड है आपका फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। नाउ तो दे आर द लीनियर पेयर्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर लीनियर पेयर आप कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो यहां पर इसने कितना दे रखे हैं, टू लीनियर पेयर्स। तो फर्स्ट वाले को वी विल राइट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, और सेकंड वाले को वी विल राइट इट एज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। हियर ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अब आपको इसको कैसे लिखना है, यू आपको लिखना है इन रेशियोस, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, रेशियो में लिखा, तो आपका क्या आ गया, देखो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू एंड सी वन बाई सी टू, ठीक है ना। द कंडीशन फॉर इंफिनिटी मेनी सोल्यूशन इज दैट आवर ऑल रेशियो शुड बी सेम, दैट मीन्स ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ठीक है। तो आपका इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस किस में निकलते हैं, व्हेन द टू लाइंस ओवरलैप विथ ईच अदर, ठीक है। तो दो लाइन जब ओवरलैप करेंगी देन यू विल गेट अ कंसिस्टेंट मेनी सॉल्यूशंस। नाउ तो आपका क्या होगा, इट इज द कंसिस्टेंट लाइंस, दैट मीन्स लाइन्स विच ओवरलैप विथ ईच अदर, तो इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन यू विल गेट इट। तो इस रेशियो में वी विल राइट दिस। तो आपको क्या आएगा, देखो सभी लेफ्ट में है एज पर स्टैंडर्ड, यस। तो एंश्योर दैट देन राइट इन रेशियोज, तो के बाई फोर इज इक्वल टू माइनस टू बाई माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू सिक्स बाई नाइन, ठीक है ना। जो इसमें कट हो रहे हैं वी विल कट इट। तो यहां पर माइनस एंड माइनस है, यहां पर क्या है सिक्स बाई नाइन में कट हो रहा है थ्री से, तो टू बाई थ्री। तो आपका इक्वेशन कैसे आ गया, देखो के बाई फोर इज इक्वल टू टू बाई थ्री इज इक्वल टू टू बाई थ्री। नाउ टेक कोई भी दो ले लो, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो आपका कैसे आएगा, देखो आपका आ जाएगा k बाई फोर इज इक्वल टू टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, थ्री के इज इक्वल टू टू इंटू फोर, ठीक है ना। तो k आपका क्या हो गया, देखो k इज इक्वल टू टू इंटू फोर इज एट, तो एट बाई थ्री, तो 8 बाई थ्री इज योर आंसर, ठीक है। तो आपको इस टाइप से इसको